परम पवित्र श्रावण मास और श्रावण मास के अंतर भी अधिक मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजन वंदना इत्यादि खूब अच्छे प्रकार से विधि विधान से लोग करते हैं। देवालय में जाते हैं, भगवान शिव के ऊपर खूब जल धारा, दुग्ध धारा, इक्षु धारा इत्यादि से अभिषेक करते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हेतु भगवान के पास जाते हैं। लिंग पुराण और शिव पुराण में भी बताया गया है काले तिल की विशेष उपयोगिताएँ। तो हम जाते हैं मंदिर में, भगवान का अभिषेक करते हैं और पुड़िया से काला तिल निकाले और भगवान के ऊपर ही हम चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। उसकी विधि क्या है और किस प्रकार से करने से किस फल की प्राप्ति होती है वह भी हम आपको बताते हैं। सबसे प्रथम तो शिवलिंग पे काला तिल चढ़ाने से जो सर्प दोष इत्यादि राहु केतु के दोष होते हैं उनसे शांति मिलती है और शनि की साढ़े साती एवं ढैया से भी राहत मिलती है और राहु केतु के अशुभ फल से भी हमें छुटकारा मिलता है। और काले तिल से विशेष जो पिंगल नाम का इस बार संवत्सर है, जो हमारे अंदर कहते हैं कि स्फूर्ति इत्यादि कमी आ रही है, असाध्य रोग हो रहे हैं, इन्फेक्शन वगैरह फैल रहा है, तो भगवान के ऊपर काला तिल चढ़ाने से असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो किस प्रकार से, सबसे पहले जिस रोग हो रहे हों जिस व्यक्ति को, और वह भगवान के मंदिर जाए, एक पात्र में दूध और जल मिश्रित करे, उसमें काला तिल डाले और भगवान के ऊपर उस जल से, काले तिल वाले जल से अभिषेक करे। काला तिल भगवान को सूखा न चढ़ाए, ध्यान रहे। काले तिल के साथ तिलाक्षत अर्थात चावल और तिल मिलाकर के चढ़ा सकते हैं, परंतु अकेला काला तिल सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे हमारे विद्वजन कहते हैं। उसी प्रकार किसी के घर में आर्थिक तंगी यदि बनी हुई हो तो उसके लिए काले कपड़े में काला तिल और काले उड़द का दान करें। दूसरा, यदि किसी को असाध्य प्रकार के रोग हो रहे हों, रोग से शांति ना मिल रही हो, तो शिवालय जाएं और भगवान का प्रार्थना करें और पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक जल लें, एक पात्र में जल लें, उसमें काला तिल मिश्रित करें और भगवान के ऊपर उस काले तिल युक्त जल से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्य में सफलता नहीं हो रही है और जीवन में कर्ज भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए जब भी आप अपने कार्य के प्रति जा रहे हों तो एक मुट्ठी काला तिल लेकर के जाएं और जहां जल प्रवाहित हो रहा हो अर्थात जल बह रहा हो, उस बहते हुए जल में एक मुट्ठी काले तिल को प्रवाहित करें और भगवान का स्मरण करें। इससे आपके कर्ज में छुटकारा मिलेगा और आपकी जो रोग है उससे भी कार्य में सफलता मिलेगी और कर्ज में छुटकारा होगा। और यदि घर में अशांति का माहौल है, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती चल रही है, तो उसमें काले तिल का विशेष उपाय बताया गया है। किस प्रकार, तो एक पात्र में दुग्ध जल मिश्रित कर लें और काले तिल को भी उसमें डाल लें और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय ना होने पाए इस बात का ध्यान रखें और पीपल के पेड़ के पास जाएं और पंचाक्षर मंत्र द्वारा जो हमने पात्र में एकत्रित किया है वह पदार्थ उनके ऊपर चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र इत्यादि अथवा नमः शिवाय का मंत्र जप करना है और अभिषेक करना है, जिससे आपके ऊपर जो भी शनि की ढैया है, साढ़े साती है और पितृदोष है, घर में अशांति बनी हुई है, उससे छुटकारा मिलेगा।